जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो भाईजान, मैं सब लोगों को दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो कि मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं और प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। तो और जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उनको मैं दिल से वेलकम करता हूँ। तो रोज़ की तरह मैं जैसे वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आज कल मेरा सेटअप बड़े अच्छे बने हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। चलते हैं हम अपने सेटअप की तरफ।
ट्रेजेडी हमेशा एक ही यूज करो। जे अब मैं आप लोगों मैंने मोस्टली भी कहा है कि अगर एक चीज़ अगर आप एक बंदे के सिग्नल लेते हैं जिसकी $500 फीस है या $100 लगा रहे हैं, तो अगर वो उसके ऐसे लेट होते हैं आप उसको सिर्फ गालियाँ दे सकते हैं, बाकी उसको ग्रुप लीव नहीं कर सकते, ठीक है। ओवरऑल आपको अगर मंथ में वो प्रॉफिट में लेके जाता तो आप वेल एंड गुड है, ठीक है। हालांकि मंथ में उसके मैं कहता हूँ कि उसने 30 ट्रेडें दी, 20 ट्रेडों के एस एल इट हुए, 10 ट्रेडों की टीपी हिट हुई, लेकिन जो 10 ट्रेडों की टीपी हिट हुई वो आपको दे गया 1000 से 1500 पे दे गया, सही है। यानी कि आपको ओवरऑल बंदा प्रॉफिट में लेके गया, आपने फिर भी शुक्र अदा करना है। लेकिन जब आप लोगों को एक से ट्रेजेडी एक बार लॉस करवाती है, एक दो तीन तीन एंट्री आपके लॉस में लेके जाती है, आपके एसेलेट करवाती है, आप से ट्रेजेडी को छोड़ देते हो, उसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं था, आप लोगों को उतना नॉलेज ही नहीं होता सर ट्रेजेडी के ऊपर। हर सर ट्रेजेडी के ऊपर कम से कम 6 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सही है। और किसी अच्छे बंदे से सीखें, यूट्यूब से सीख के बंदा कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ उस जैसे होता है ना मूवी का ट्रेल, आपने कभी पेड मूवीज़ देखी होंगी तो उनका सिर्फ ट्रेल देते हैं, ठीक है, बाकी मूवीज़ नहीं पहले ड्रॉप करते, मूवी बाद में ड्रॉप होती रहती है, ट्रेल देते हैं। ये सिर्फ जो स्ट्रेटजी ने ड्रॉप करते होते हैं ना सिर्फ ट्रेल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी का ट्रेल होता है, असल चीज़ जो है ना वो बीच में छुपा के बैठे होते हैं। तो बाकी ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा जो व्यू है, ज़ाती व्यू है, कोई अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी पकड़ें, उसको पहले डेमो में प्रैक्टिस करें, उसकी परसेंटेज चेक करें, तो उसकी ग्रोपिंग चेक करें, उसके बाद जाके उसको आप ट्रेल पे फॉलो ले आएँ। तो कम से कम 1 महीना तो कम से कम फॉलो करें ना, कि उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कितने एसेलेट होते हैं, कितने टिपी होते हैं, ठीक है। कोई भी पकड़ लें, चाहे सिंपल वाले जो मैंने लगा।